Prachar my way. So in this video I will create a very simple festive look. Basically Diwali aa rahi hai, so main bahut simple easy sa makeup look create karungi jo ki ek beginner ke liye kafi easy hai and kafi glamorous bhi hai. So yeah, if you are interested in this video then please keep on. Hum apply karenge apne face pe moisturizer, but main koi bhi random moisturizer apply nahi karti. मैं यूज कर रही हूँ गश ब्यूटी का ग्लो केटर. इसे इसलिए यूज कर रही हूँ बिकॉज ये एक इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर है, सो ये मेरे फेस को हाइड्रेट भी करेगा प्लस ये मेरी स्किन को ग्लो ही भी दिखाएगा. सो एक फ्लॉलेस मेकअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करें. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फेसेस कैनेडा विटामिन रिच प्राइमर. इसे अपने फेस पे अप्लाई करूंगी. सो फाउंडेशन के लिए हम यूज करेंगे ब्लू हेवन का फ्लॉलेस फ्रेश एंड फ्लॉलेस फाउंडेशन. ये बहुत बिगिनर्स फ्रेंडली है, अफोर्डेबल है एंड काफी अच्छे फिनिश भी देता है. और ब्लेंड करने के लिए मैं अपना फ्लिका का ब्यूटी ब्लेंडर यूज करूंगी. सो हम फाउंडेशन को लेंगे और आप देख सकते हैं मैं अपने स्किन पे इसे डैब कर रही हूँ. काफी अच्छी फाउंडेशन है आपके लिए. बेसिकली फाउंडेशन नहीं है, एक स्किन टिंट है. सो आप देख सकते हो दो पंप ने मुझे इतनी कवरेज दी है. ब्यूटी ब्लेंडर में ऑब्वियसली कवरेज थोड़ी कम होगी क्योंकि प्रोडक्ट को सोक भी करता है, बट इन ऑल मेरे फेस को एक बहुत ही इवन टोन कवरेज मिली है. नेक्स्ट हम यूज करेंगे फ्लिका का कंसीलर. ये बहुत ही मीडियमिश कवरेज है एंड ये शेड है 01. हम इसे अपनी अंडर आईज पे अप्लाई करेंगे. अगर आप कोई हैवी कवरेज फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी कंसीलर की जरूरत नहीं है. जैसे आपको पता है कि मैंने फाउंडेशन ज्यादा हैवी नहीं अप्लाई किए, सो मैं कंसीलर थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई करूंगी ताकि मेरे फेस पे मार्क्स ना दिखे या मेरी स्किन डल ना दिखे. एंड हम अगेन सेम वे से इसे ब्लेंड करेंगे और इसे काफी मेरी अंडर आईज को ब्राइट कर दिया है. आपके लिए मैं यूज करूंगी ये जैकलिन यूएसए का परफेक्ट फिक्स कॉम्पैक्ट विद SPF 40. मैं पहले अपने कंसीलर को ब्लेंड करूंगी ऊपर देख के अंडर आईज के एंड देन मैं ऊपर ही देखती रहूंगी और कॉम्पैक्ट को लेकर इसे सेट कर दूंगी. इससे कोई भी क्रीज नहीं बनता. जैसे मेरे अंडर आईज में बहुत ज्यादा लाइंस है, ये इसमें कंसीलर क्रीज नहीं करेगा. मैं अपने सिर्फ माउथ के अराउंड अप्लाई कर रही हूँ. टिंट के लिए मैं यूज करूंगी ये ब्लश ब्यूटी का लिप एंड चीक टिंट. आई गेस ये 200 रुपीस का आपको मिल जाएगा, 200 to 300 का. अब हम इसे यूज करेंगे एज विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश एंड सी हाउ पिगमेंटेड इट इज. सो मैंने एक रफ ब्लश अप्लाई कर दिया. हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि बाकी का प्रोसीजर हम लास्ट में करेंगे. सो अब आ रही है ब्राउज के. ब्राउज के लिए मैं यूज करूंगी एट्यूड हाउस की आईब्रो पेंसिल. ये अफोर्डेबल एंड काफी अच्छी पेंसिल है फॉर अ बिगिनर. हम आईब्रोज को कॉम करेंगे और जो पहले तो हम एक आउटर लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि एक शेप मिले हमारी ब्राउज को. लाइट स्ट्रोक से हम फिल करते हैं इसे ब्लेंड. सो दिवाली का मेकअप है तो थोड़ा सा ब्लिंक हमारे आईज पर भी होना चाहिए. सो इसके लिए मैं यूज करूंगी मार्स की आई शेडो पैलेट. काफी अफोर्डेबल है एंड काफी अच्छी पैलेट है. करेंगे इस पैलेट से ब्राउन शेडो और इससे हम अपने क्रीज. ये ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए है, सो मैं इसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगी. मैं बस इसी शेडो को ब्लेंड कर रही हूँ ताकि इवन लगे. नेक्स्ट मैं आई शेडो से ये शैम्पेन से ले लूंगी और इसे अपनी लिड्स पे अप्लाई करूंगी. सो अब हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टच ऐड करेंगे. उसके लिए मैं यूज करूंगी पेंसिल सॉर्ट ऑफ अ ब्रश और इस पैलेट से ब्राउन डार्क ब्राउन आई शेडो और इसको हम हमारे आउटर्स पे एज ए लाइनर अप्लाई करेंगे. डोंट मेस विद फॉल्स आशेस, जस्ट यूज अ लैश कलर. मस्कारा के लिए मैं यूज करूंगी शुगर का मस्कारा. इसकी वन साइड मस्कारा है, दूसरी साइड फाइबर है. सो ये बहुत अच्छा मस्कारा है एंड जस्ट लुक सी दैट्स प्रीटी मच इट. मैंने मस्कारा को लोअर में भी अप्लाई कर दिया और मैंने कोई भी आईलाइनर अप्लाई नहीं किया या कोई भी काजल अप्लाई नहीं किया. मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी. इट लुक्स वेरी नेचुरल, वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट कीप इट लाइक दिस. ब्लश के लिए मैं यूज करूंगी ये मार्स का ब्लश इन 02. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रीटी ब्लश, वेरी पिगमेंटेड एंड वेरी अफोर्डेबल. तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे.
will complement my eye look as well. This is Canada का highlighter. ये काफी अच्छा blingy highlighter है, so मैं इसे use करूँगी. और मैं अपने cheek पे, अपने nose पे, फिर अपने face को थोड़ा सा glowy बनाऊँगी. ये काजल ना हमारे आईज को हाईलाइट करता है. एंड अगर आप काजल नहीं अप्लाई करना चाहते, आप हाईलाइटर भी अप्लाई कर सकते हो अपने आईज को ओपन अप करने के लिए, अपने आईज को हाईलाइट करने के लिए. आई एम गोना यूज अ लिपस्टिक. लिपस्टिक के लिए यूज करूंगी ये लव अर्थ के लिक्विड मूज लिपस्टिक. इट लुक्स क्वाइट प्रिटी, बट मैं इसे टॉप अप करूंगी ये लैक्मे के 9 to 5 लिप प्राइमर लिक्विड लिप कलर से इंटेंस लाटे के साथ. करने के बाद ही अच्छी लगती है. So this finishes this makeup look. Also I've added this bindi because if you know me, I am a big time bindi lover. मैं चाहूँ तो मैं हर दिन हर time bindi लगा के रखूँ because I just feel more beautiful with bindi. I don't know why. So pretty much that's all for this video. I hope this tutorial was helpful for you. So अगर आप एक beginner हैं, आपको makeup नहीं आता, this look is so easy to achieve. बहुत इजीली आप अचीव कर सकते हो. ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं चाहिए. डेफिनेटली आप कुछ स्टेप्स मिस कर सकते हो, बट ये आई शैडो, ये बेस बहुत इजीली अचीव करना. सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. होप दिस दिवाली यू लुक दिस ग्लैमरस. एंड विद दैट स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.